अगर आपका गेम कुछ इस तरह से चलता है तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ इस तरह से चलेगा। सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हम लोग आ चुके हैं एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ वापस। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका जो गेम एकदम लैग फ्री हो जाएगा और लैग नहीं करेगा। बाबा! नहीं नहीं, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मैं बस आपको एक बढ़िया सा टेक्सचर पैक दूंगा जिससे आपको एकदम लैग फ्री महसूस होगा और आपका गेम एकदम मक्खन चलेगा, और एक कनेक्टेड ग्लास का टेक्सचर पैक भी दूंगा। तो इन दोनों को बस तुम लगाओ और उसके बाद अपने गेम मक्खन चलाओ। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे हैं भैया जी। तो चलो मैं तुम्हें फटाफट से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दो। नहीं दबाओ पहले, नहीं मैं देख रहा हूँ, तुम दबाओ। इन दोनों पैक का लिंक मिल जाएगा तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन, वहां से तुम इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें मॉड को इंपोर्ट करना नहीं आता माइनक्राफ्ट में, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वो जाके देखो। और फिर तुम्हें ये दोनों पैक्स को कर देना है एक्टिवेट। यहाँ पर देख लो, तुम सेटिंग भी कर देते हो, मतलब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है। उसके बाद तुम ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देना जिससे कि तुम्हारा लैग नहीं करेगा, अगर ज़्यादा लैग करता है तो। और जैसा तुम्हें सेटिंग अच्छी लगती है वैसा भी तुम कर सकते हो। इसी की तरह तुम यहाँ पर ग्लास की सेटिंग्स भी कर सकते हो। तुम्हें क्लियर चाहिए, ओल्ड चाहिए या फिर बेसिक सा चाहिए, तो इसकी सेटिंग्स भी तुम कर सकते हो। जैसा तुम्हें पसंद आता है उसको रख सकते हो। तो बस तुम्हें इतना करना है, उसके बाद मॉड हो जाएगा अप्लाई। और यहाँ पर देख लो, इसमें तुम्हें फुल ग्रास ब्लॉक देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये लैग करता है या फिर नहीं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेक्सचर पैक है। तो चलो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग TNT, और उसके बाद मैं इसको फोड़ के दिखाता हूँ। भाई देखना, लैग बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखना। 1, 2, 3, और ये देखो जरा सा भी लैग नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। गजब बेइज्जती है। हाँ तो अब देख लो, यहाँ पर मैंने इतने सारे TNT लगा दिए हैं और तुम देखो अब। अच्छा हाँ, तो तुमने देख लिया ना, ये बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक बार तुम इसको ट्राई जरूर करना अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। सो मैंने तुम्हें टेक्सचर पैक तो दिखा दिया ये कैसा वर्क करता है। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कनेक्टेड ग्लास वाला पैक। चलो भाई एक चीज और देख लो इस टेक्सचर पैक में, तुम्हें जितने भी ओर्स हैं उनमें देखो बॉर्डर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये देखो मैंने यहाँ पर ग्लास लगा दिए हैं और भाई ये कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं तुम लोग देख सकते हो। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि एक्सपेरिमेंट्स भी ऑन कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन कर देना, तभी ये जो मेरा वाइट वाला ग्लास है यहाँ पर, ये देखो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब ये तो टेक्सचर पैक का ग्लास है इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर तुम सिर्फ कनेक्टेड ग्लास का टेक्सचर पैक लगाओगे तो तुम्हारे में वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन कर देना और इस पैक को बिहेवियर में भी इनेबल कर देना, ठीक है, तो तुम्हारा ये वर्क करने लगेगा। ठीक है, समझ गया। बाकी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर तुम नहीं लगाते हो तो भी। देखो ये जो टेक्सचर पैक मैंने तुम्हें दिया लैग फ्री वाला, उसमें भी तुम्हें कनेक्टेड ग्लास मिल जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये दोनों टेक्सचर पैक अच्छे लगे होंगे, इनको एक बार अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जरूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।